अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपना यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम सारी केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटम्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, आयन, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस को देखेंगे। केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में पूरा डिस्कस होगा। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स हैं। लेकिन इन सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है साइंस क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री हम बोलते हैं केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है ना। तो ये साइंस कहाँ से हमारे पास बढ़ा है? ये जो साइंस है हमारे पास, साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है हमारे पास। लैटिन वर्ड हमारे पास क्या है? लैटिन वर्ड है हमारे पास, उसका क्या कहते हैं हम? साइंटिया। साइंस हमारे पास एक लैटिन वर्ड से हमारे पास आया है जिसको हम क्या कहते हैं? साइंटिया। इसका और इसका मतलब क्या है? इसके मीन्स क्या है हमारे पास? नॉलेज। मतलब इसका मतलब क्या है हमारे पास? एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव हुआ है और उसका मतलब क्या है हमारे पास? नॉलेज है। जो नॉलेज होती है वो हमारे पास बेस करती है कुछ चीज़ों के ऊपर। नॉलेज हमारे पास बेस करती है, नंबर वन अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करती है हमारी नॉलेज, नंबर टू ऑब्जर्वेशन, नंबर थ्री एक्सपेरिमेंट, किसके, और नंबर फोर हमारे पास जब हम कोई हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी मिलता है। सही है। हमारी जो यूनिवर्सल साइंस है, पूरी साइंस साइंस जो है हमारे पास यूनिवर्सल साइंस के अंदर जो साइंस का मतलब नॉलेज है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। सही है। अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्सल साइंस बोल रहे हैं ना, हम यूनिवर्सल साइंस के अंदर हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री किससे डील करती है? केमिस्ट्री हमारे पास प्योरली हमारे डील करती है मैटर से जिनके अंदर मास होता है और क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। प्योरली किससे डील करती है? प्योरली डील करती है केमिस्ट्री किससे? मैटर से जिनका क्या होता है? मास होता है। सही है। और ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस से। अगर हम बात करें कि टेबल सॉल्ट जो हमारे पास नमक होता है जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इंट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है हमारे ह्यूमन ब्रेन्स की, जो कि डिफरेंस बताता है, मतलब डिफरेंसेस बताएगा हमारे सब्सटेंस के कंपोजिशन की वजह से, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से, और मैटर के साथ जो उनका इंट्रैक्शन होगा उन सब की वजह से, वहाँ उन सब का डिफरेंस हमें एक्सप्लेन करेगा।